सेक्शन थ्री जीरो सिक्स लगेगा थ्री जीरो फोर बी लगेगा फोर नाइनटी एट लगेगा या ये एक साथ लगाए जा सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द वर्ड सोन बिफोर इसमें सेक्शन थ्री जीरो फोर बी में दे आर यूजिंग वर्ड सोन बिफोर द डेथ तो जो विक्ट की डेथ हो रही है वो क्या इमीडिएटली बिफोर होनी चाहिए मतलब जो क्रुअलिटी है वो जो हो रही है जिस वजह से उसकी डेथ हो रही है डेथ हुई है या फिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो क्या वो इमीडिएट बिफोर होना चाहिए उसकी डेथ से क्रुअलिटी या फिर थोड़ा टाइम गैप होगा तो भी चलेगा आगे ये सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे

उसको उसकी डेथ से पहले ही शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुअलिटी और हरासमेंट बाय किन लोगों से हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर और इन कनेक्शन कनेक्शन किस लिए मतलब जो क्रुअलिटी है वो किस ए, से रिलेटेड होनी चाहिए एनी डिमांड फॉर डाउरी सच डेथ शेल बी कॉल्ड डाउरी डेथ एंड सच हस्बैंड तो लाइबल कौन कौन होंगे इसमें दो लोग लाइबल हो रहे हैं सच हस्बैंड और सच रिलेटिव शेल बी डीम्ड टू हैव कॉज हर डेथ डीम्ड का क्या मतलब है यहाँ पे डीम्ड का मतलब ये है कि एक लीगल फिक्शन क्रिएट हो रहा है कि अगर मान लीजिए उन्होंने एक्चुअली में कॉज नहीं डेथ कॉज नहीं भी की है तब भी ये माना जाएगा अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ये माना जाएगा कि हाँ इन लोगों ने क्रलिटी की और इनकी वजह से डेथ हुई है

तो मिनिमम पनिशमेंट उसको सेवन इयर्स की मिलेगी बट मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है ऐसे केसेस में हम इस सेक्शन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इस डायग्राम से सबसे पहले हमने देखा कि इसमें पूरे टोटल पांच हेड हैं पांच हेड में से हमें समझना है हर एक उसको कि जो मैरिज होनी चाहिए वो एग्जिस्टिंग मैरिज होनी चाहिए ठीक है दूसरा बोल रहे हैं कि डाइड विद इन सेवन ईयर्स ऑफ मैरिज जो डेथ होनी चाहिए वो सात साल के अंदर होनी चाहिए मतलब सात साल के आज अगर शादी हुई है तो आज से सा सात साल के अंदर अगर इस तरह के सरकम में उसकी डेथ होती है तो ये कवर कर, उसमें होगा सेक्शन थ्री जीरो फोर बी में आ जाएगा। डेथ वाज अनचुरल अनचुरल डेथ होना चाहिए मतलब कि इसमें ये डेथ जो है इसकी जो डेथ है वो होमिसाइडल भी हो सकती है और सुसाइडल भी हो सकती है होमिसाइडल मतलब कि किसी ने उसे मार दिया किसी और ने मार दिया ठीक है कुछ भी या तो जला के या किसी भी तरह से किसी भी मीन से तो ये वाली जो होगी इसमें क्या है आपका सेक्शन 304 बी लगेगा मान लीजिए अगर सुसाइडल है अबैटमेंट टू सुसाइड करा उसने या उसने ऐसे क्रुएल्टी करी जिस वजह से उसने आप खुद ही सुसाइड कर लिया तो उसके केस में 306 सेक्शन 306 लगेगा आईपीसी का अब इसमें बोल रहे हैं कि जो डाउरी क्रुअलिटी है वो किसके थ्रू होती है बाय बाय द हस्बैंड हो सकती है और बाय एनी रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड हो सकती है दो लोग हैं जो इस चीज में लायबल हो सकते हैं सच क्रुअलिटी सून बिफोर द डेथ डेथ की उसके शादी के मतलब जो क्रलिटी है वो क्या होना चाहिए जो उसकी डेथ हो रही है उसके पहले होनी चाहिए सून बिफोर तो सून को कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कई सारे केसेस में तो सून मतलब ये नहीं है कि इमिडिएटली बिफोर द डेथ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इमिडिएटली बिफोर द डेथ होना चाहिए कि क्वालिटी अभी हुई आज हुई और कल डेथ हो गई ऐसा नहीं होता तो कुछ टाइम गैप को भी कभी कभी कंसिडर किया जाता है और इसको बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं दी जा, दी जा सकती इस टर्म को नेक्स्ट अब हमें इसमें इस सेक्शन में, में बताया गया है सेक्शन टू ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कि डाउरी होती क्या है इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी एनी प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी और एग्रीड टू बी या तो दी जा रही है या फिर उसको दी जाने के लिए प्रॉमिस किया है इस तरह से एग्रीमेंट है कि हाँ देंगे डायरेक्टली इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज और बाय द पेरेंट ऑफ

या तो शादी के टाइम या शादी के बाद दी जा रही है या इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज कि उनकी शादी होगी तो हम ये चीजें देंगे बट डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर इन द केस ऑफ पर्सन टू होम द मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाइज मतलब डावर और मेहर इसमें आप नहीं आएगा उसको डावरी नहीं कंसिडर करेंगे

और किस चीज में किस कनेक्शन में दी जा रही है कि उन जो पार्टीज हैं उनकी शादी होगी लेकिन डाउरी में महर और डावर इंक्लूड नहीं होता जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में होता है शादी के टाइम पे महर और डावर ये दिया जाता है तो ये डाउरी नहीं माना जाएगा